नेता के बेटे की शादी में हुई हर्ष फायरिंग, दूल्हा दुल्हन सहित मां ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कांग्रेस नेता के बेटे की शादी हुई तो वहां नई नवेली दुल्हन के स्वागत में दूल्हा दुल्हन से लेकर रिश्तेदारों तक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। जांजगीर जिले में कांग्रेस नेता के बेटे की शादी हुई तो वहां दूल्हा दुल्हन से लेकर रिश्तेदारों तक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। सबने एक एक कर आसमान में गोलियां चलाई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग बोलने लगे, वाह वाह बहुत खूब। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। वीडियो सामने आने के बाद अब एसपी विजय अग्रवाल ने कार्रवाई की बात कही है। मामला रविवार का बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी 10 फरवरी को उनके बेटे शांतनु प्रताप सिंह की शादी जांजगीर शहर में सौंदर्या सिंह के साथ हुई। इसके बाद 12 फरवरी को उनके गृह ग्राम रसोटा में आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया था। इस मामले में विजय अग्रवाल ने कहा कि हमें इसकी जानकारी मिली है, इस तरह से समारोह में फायरिंग करना जुर्म है। जितने लोगों ने फायरिंग की सभी पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस नेता शामिल हुए थे।